इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगातार पांचवी बार पहुंची, लेकिन वहीं से सवाल खड़ा हो गया, क्या सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जो था वो सचिन धस को मिलना चाहिए था, ना कि उदय को? वेल, दोनों ने कमाल की पारी खेली, नो डाउट। उदय कमाल के प्लेयर हैं, पिछला मैच ये मैच लगातार अच्छा खेल रहे हैं, ठहर कर खेलते हैं, लेकिन अगेन क्या ये मैच का असली हीरो सचिन धस नहीं था? वेल, ना जाने क्यों मुझे 2011 वाला मैच याद आ गया। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सचिन सहवाग आउट होते हैं, गंभीर आते हैं, बढ़िया पारी खेलते हैं, 97 पर आउट होकर जाते हैं, पूरी शर्ट वर्ट सब एकदम पूरा एफर्ट दे देते हैं। जब वो आउट होते तब तक मैच काफी हद तक इंडिया की तरफ इंक्लाइंड हो चुका था, बाद में धोनी ने फिनिश किया, इंडिया मैच जीती, एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट धोनी, अभी तक चर्चा चलती है। हालांकि उसमें धोनी ने 91 बनाए थे, छक्का का मारा था, फिनिश किया था, अलग कहानी, लेकिन यहां पर सचिन दास ने जब खेलने आए तब इंडिया 0-1 थी, 8-2 थी, 25-3 थी, 32-4 थी, 11 ओवर में 32 रन पर 4 विकेट। जब वो आउट हुए हैं 42 ओवर में तब 203 रन थे, वो 100+ पे खेल रहे थे और उदय उस टाइम 55 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, काफी ज्यादा डिफरेंस था। 11 ओवर में 32 से ले जाकर 200 के पार ले जाना और फिर मैन ऑफ द मैच उनका नहीं होता, इवन उदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका जिक्र नहीं किया पोस्ट में, और इसीलिए मेरे मन में सवाल आता है, क्या ये जो मैच था, ये जो अवार्ड था, ये सचिन दस का ज़रा था? वेल, मेरे हिसाब से था ये। उसका रीजन मुझे ये लगता है, पहला कि सचिन जब आए थे तब वो सिचुएशन बहुत टफ थी, उस वक्त चाहिए था कि एक प्लेयर पार्टनरशिप भी करे लेकिन रन रेट को भी बढ़ाए, बढ़ाते हैं। मैच को ऑलमोस्ट फिनिश किया उन्होंने, जब वो आउट हुए तब इंडिया को 4-5 बॉल ज्यादा उनके पास ही रन के मुकाबले, 30-40 रन चाहिए थे, तो मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। 11 चौके एक छक्का, आउट भी हुए तो 100+ का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। दूसरा, उदय शरण ने मैच फिनिश नहीं किया था, 124 बॉलों पर उदय ने 81 रन बनाए लेकिन उदय भी आउट होकर गए थे, तो नॉट आउट भी उदय नहीं थे कि आपने कहा कि चलो भाई धोनी की तरह उन्होंने मैच फिनिश कर दिया, आप अवार्ड दे दे रहे हो, मैच फिनिश वो नहीं कर पाए थे, मैच एक्चुअली राज लिम्बानी ने फिनिश किया, और एक्चुअली में मैच आखिर में राज ने भी जिताया, मतलब तीन अगर किरदार मेरे हिसाब से होंगे जो मैच जिताते हैं, एक सचिन धस, दूसरा उदय, तीसरा राज लिम्बानी। सचिन धस ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, दूसरा हमारे उदय इसलिए क्योंकि टिके हुए थे, राज का इसलिए क्योंकि राज जब आए तब 14 बॉल में 17 रन चाहिए थे लेकिन राज खड़े रहे, राज ने छक्का मारा पहली बॉल पे और फिर आखिर में चौके से फिनिश किया, तो प्रेशर जो रनों का प्रेशर लग रहा था आखिर में कि यार ऐसा ना हो तीन ही विकेट बाकी मैच फंस जाएगा क्योंकि दो विकेट फालतू गिरते जल्दी जल्दी, तीन विकेट इनफैक्ट वो उन्होंने हटा और राज ने तीन विकेट भी निकाले थे, तो उनको भी हम क्रेडिट देंगे। बट अगेन यहां पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कॉमेंटेटर्स चॉइस शायद होती है मैन ऑफ द मैच को लेकर, उसके बाद थोड़ी सी निराशा मुझे और हुई कि सचिन दस के बारे में कैप्टन उदय कह सकते थे, उदय ने पोस्ट मैच उनका जिक्र नहीं किया, जब कहा तो ये कहा कि भैया हम एक समय पीछे थे, मैं बार बार कहता हूँ कि हमें आखिर तक बैटिंग करना था, इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप और हमने किया, मैंने अपने पापा से सीखा है कि मैच को एंड तक ले जाओ, जब मैं गया तो गेंद घूम रही थी, ऐसा होती वैसा होती, मतलब उन्होंने अपने बारे में बात की, अपने कोच के बारे में कहा कि उन्होंने काफ़ी योगदान किया, ये कहा कि हम खुश हैं फाइनल में पहुंचे, अपने फादर का जिक्र किया लेकिन उस खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया जिसने अंडर 19 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन 6 नंबर पर बनाए, किसी भी प्लेयर ने आज तक कभी भी इस तरह से मैच जीता है। यहाँ पर सचिन दस जब आए थे तब 32-4 था, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने था और 6 नंबर का प्लेयर का यह हाईएस्ट स्कोर है। सो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच शायद सचिन दस का बनता था। उदय ने बहुत अच्छी पारी खेली है, मैं उनका प्रशंसक हूँ, वो टीम की कमान है लेकिन संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ बुरा लगा मुझे। और अगर नहीं भी चलो कॉमेंटेटर्स ने दिया, आप एक बार जिक्र कर सकते सचिन का पोस्ट मैच, आपने कहा मैं कह रहा था कि एंड तक जाना है, किससे कह रहे थे? नाम लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, 6 नंबर पर वो आते हैं, आज मौका था, बड़ा स्टेज था, कोई नहीं, हमने पहले सचिन को जिताते हुए देखा यहां भी, सो मेरे हिसाब से हीरो आज।